चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुमेरपुर थाना पुलिस ने दुकान में घुसकर व्यापारी को 1 करोड़ की रंगदारी के लिए धमकाने वाले हार्डकोर अपराधी और उसके साथी को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति स्वरूप शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र सिंह और उसका एक साथी हत्या के मामले में जेल में बंद थे। जमानत पर रिहा होते ही सुमेरपुर के एक व्यापारी को 1 करोड़ की फिरौती को लेकर धमकाया। वहीं पैसे नहीं देने पर 3 फायर कर मौके से फरार हो गए थे, जिसकी तलाश को लेकर एक पुलिस दल गठित किया गया। सुमेरपुर थाना प्रभारी गौतम जैन के अगुवाई में एक आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर पाली लाया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि इस हार्डकोर अपराधी सुरेंद्र सिंह ने जेल से भी इसी व्यापारी को फोन के जरिए 1 करोड़ की रंगदारी के लिए धमकाया था, जबकि इस गिरोह के खिलाफ लूट, हत्या, डराने, धमकाने के कई मामले पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। उनकी दुकान पर गया और रंगदारी वसूल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की वसूल करने के लिए फायर किया और धमकाया कि 1 करोड़ रुपए उसके पास पहुंचा दे। उसके बाद वो मुलजिम वहाँ से फरार हो गया। हमारी SHO सुमेरपुर गौतम जैन और उनकी टीम, साइबर सेल की टीम, उन्होंने निरंतर रूप से उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए। आज हमारी टीम उसको लेकर श्रीशैलम तमिलनाडु से लेकर आई है और आज उसको गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 19 मुकदमे मारपीट, लूट, धमकाने के इस तरीके के दर्ज हैं। ये हार्डकोर अपराधी है और राजभाषा में भी इसका हमने इसके विरुद्ध कार्रवाई की थी, लेकिन अभी बाहर आया था। इसके साथ एक और इसका साथी जो है सवाई सिंह राजपुरोहित, उसको भी अरेस्ट किया है। एक मुलजिम इसमें फरार चल रहा है, उसको गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। दीपक जोशी जो है अभी वांछित है इसमें, उसको शीघ्र गिरफ्तार करें। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।